गाजीपुर के लिए गुरुवार का दिन भी भारी ही बीतता नजर आया। देर शाम कोरोना के टेस्ट रिजल्ट में फिर 11 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी 11 लोग दूसरे प्रदेशों से आए प्रवासी हैं। जिले में कोरोना के ये नए मरीज मिलने से कुल मरीजों की संख्या 71 हो गई है। हालांकि एक राहत की भी खबर है। गाजीपुर का एक संक्रमित मरीज पॉजिटिव से अब नेगेटिव की श्रेणी में आ गया है। पहले 6 लोग नेगेटिव श्रेणी में थे, अब ये संख्या 7 हो गई है। इस हिसाब से एक्टिव मरीजों की संख्या 64 हो गई है। ये सभी 11 मरीज रेलवे ट्रेनिंग सेंटर गाजीपुर में क्वारंटीन हैं। बता दें कि इनमें से सैदपुर तहसील से 8, मनिहारी से 2 और मोहम्मदाबाद से 1 मरीज पॉजिटिव पाया गया है। अब इन सभी मरीजों को उपचार के लिए जौनपुर ले जाया जाएगा। बनारस वाला अस्पताल भरने के बाद अब इन लोगों को जौनपुर ले जाना पड़ रहा है। इससे पहले बुधवार को भी गाजीपुर में एक ही साथ 18 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इनमें से 7 लोग तो एक ही परिवार के थे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गाजीपुर के लोगों के लिए खतरा और बढ़ गया है। हमारी आप सभी लोगों से अपील है कि लॉकडाउन का पालन करें। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से करें। जब भी बाहर निकलें मास्क पहनकर ही निकलें। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।